एक्सक्यूज मी, ये बस कब तक आने वाली है? बस का तो पता नहीं, पर अब वो आने वाली है जिसके आने से हमारा दिल धड़कता है। चंकी सर हैं, आपने जब फिल्में करनी शुरू करी तो आपने अपना डेब्यू जो है वो नीलम मैम के साथ किया था, है ना? हाँ जी, हाँ सर, जी। कुछ कुछ यादें हैं उस टाइम की कुछ? अरे, मैं तो बचपन से नीलम का फैन था। जब मुझे पता चला मेरी पहली पिक्चर नीलम के साथ है, हाँ। तो मैं झूठ पे झूठ बोलने लगा अपने प्रोड्यूसर को। क्या सर, मुझे मोटरसाइकिल चलाने आता है, मुझे घोड़ा चलाने आता है, मैं प्लेन भी उड़ा लेता हूँ। ठीक है, बोला आपको फिल्म मिल गई नीलम के साथ। पहला जो शॉट था नीलम के साथ मोटरसाइकिल पे था। मैंने नीलम को पीछे बिठाया और यह चलाया मोटरसाइकिल की 400 मीटर व्हीली मार के हम लोग खाई के नीचे गिर गए।
अरे बाप रे, पूरा मेरा पैर जला दिया है चंकी पांडे ने। सॉरी नीलम, फिर उसको नीलम को थोड़ा सर्जरी करके उसको ठीक करना पड़ा। सर्जरी नहीं, प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी, बट मैंने अपनी निशानी छोड़ दी उन पर। एक्चुअली एक कन्फेशन है। प्लीज। आपकी फिल्म लव 86 आई थी गोविंदा के साथ, और तब मैं आई थिंक वाज इन सिक्स स्टैंडर्ड, एंड आई रिमेम्बर कि वो एक दौर होता है ना, व्हेन यू ग्रो फ्रॉम बीइंग अ बॉय टू अ मैन, तो वो एक फीलिंग आ गई आपको देखकर कि यार वाह। क्या बात है, सिनेमा हॉल में बच्चे गए बाहर बड़े हो गया है। ऐसा नहीं है। और उसकी पहली पिक्चर था जवानी। I honestly feel मैं शेयर करना चाहता हूँ, I had a massive crush on you, Neelam. Massive crush on you. कुछ साल बाद मलाइका, नीलम और बहुत सारी दूसरी जो बड़े बैंड्रा गर्ल्स, जो बड़े एक्टर्स की बीवियां हैं, वो मेरे क्लास में आई थी और वो सीख रही थी, एंड व्हेन आई सॉ नीलम मैं ऐसे रह गया कि वाओ। और ये कितनी इत्तेफाक की बात है कि एक टाइम पे मैं उसको देखता था, एंड आई वाज लाइक दिस, इट वाज क्वाइट, बट आई कंट्रोल्ड माय सेल्फ, और आज मैं आपकी फैन। थैंक यू सो मच, एंड एक्चुअली जो मेरी गर्लफ्रेंड भी बनी वो आप ही की तरह दिखती थी। एक और बात बताना चाहता हूँ आपको टेनिस सर, यहाँ पे एक और फैन है बहुत बड़ी, चंकी सर की बहुत बड़ी फैन। उन्होंने अपने कमरे में पोस्टर लगा रखे थे चंकी पांडे के, वो है द वन एंड ओनली मलाइका। मलाइका ये बात बताएं आप, ऐसा सही है ये बात? ये मैंने कभी किसी से मैंने कभी शेयर नहीं किया है, मतलब चंकी को पता है बिकॉज मैंने उनको बताया। मेरे भी ग्रोइंग अप इयर्स जैसे आपके ग्रोइंग अप इयर्स थे, मेरे कबर्ड के अंदर जब कबर्ड खोलते ना ऐसे ऐसे खुलता है, दो दरवाजे होते हैं, तो एक साइड पे टॉम क्रूज था और एक साइड पे चंकी पांडे। Chunky, she's not joking. I'm not joking. Let me tell you, I used to be a huge Chunky fan. मतलब, I still remember, मुझे बाल काटने थे और चंकी का वेरी टिपिकल हेयर स्टाइल था ना, ऐसे लंबे लंबे एंड ऐसे कुछ करता था। आई रिमेम्बर मैं गई थी वहाँ पे वही पोस्टर लेके, एंड आई सेड ये सेम हेयर स्टाइल मुझे भी चाहिए। और फिर मैं और मेरी बहन, मेरी छोटी बहन, रोज घर में बैठकर इनके घर पे मैं हम लोग ब्लैंक कॉल्स लगाते और मैं और मेरी बहन बस यही करते थे पूरा दिन, हाय चंकी, हाय चंकी। और ये भी एक नंबर का बदमाश है, ही इज नो लेस, ही यूज्ड टू कम टू द फोन एंड से यस यस स्वीटी यूज दिस, मतलब हम इतने खुश हो जाते थे, इतने खुश। बट आई हैव टू एडमिट ऑन नेशनल टेलीविजन दैट आई हैड द बिगेस्ट ह्यूजेस्ट क्रश ऑन चंकी पांडे। मैं तो बेहोश होने वाला हूं, किसी और को बुलाओ, मैं चश्मे पहन के मर जाने वाला। यार वैसे एक बात है, यहाँ पे आज चंकी सर आए हैं, साथ में नीलम मैम है। भाई आज यहाँ पे खुलासा हुआ कि चंकी सर जो है उनकी एक बहुत बड़ी फैन है मलाइका, है ना, और टेरेंस सर जो है वो बहुत बड़े फैन है नीलम मैम के। Yes. तो एक फैन मूवमेंट हो जाए, इनका बड़ा मन था आपके साथ डांस करने का, है ना? आइए प्लीज जोरदार तालियां हो जाए, कम ऑन, आइए।
पैमाने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.